सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो कि जानना बहुत जरूरी है, तो आइए पहले उनको जानते हैं। सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि मिल के एक लाइन बनाते हैं। और अगर मैं इसी लाइन को बाउंड कर दूं कि इसका दो पॉइंट है, एक है इसका पॉइंट ए, दूसरा है इसका पॉइंट बी। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये अब एक लाइन सेगमेंट में ब्रेक हो चुकी है, ठीक है जी। ये अब एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा क्योंकि हमने इसके दो एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। इस चैप्टर में जो भी हम वर्क करेंगे, ग्राफिकल वर्क, वो सिर्फ दो प्लेन में होगा, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है जी। और या तो आप उसको टू डायमेंशनल कह लें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लीजिए, ठीक है जी। तो इसमें ज्यादातर हमारा क्या होता है कि एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है जी। जो एक्स होता है हमारा, इसे कहते हैं एब्सिसा, और हमारा जो वाई होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्सरसाइज 2.1 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि हम किसी लाइन सेगमेंट के दरमियान कोई सभी पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि ये है, इसकी वैल्यू है x1, y1, और इसका ऑर्डर्ड पेयर है x2, y2। और सवाल में हमें दिया हुआ है कि इधर कोई पॉइंट है, लाइन सेगमेंट के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हमें मालूम करना है, जिसे हम कहते हैं डी। तो आप डी की वैल्यू निकालें, ठीक है जी। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा एक्सरसाइज 2.1 में वो है डी इजिकल्स टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अगर आपसे पूछे कोई के डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम है। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। कंसीडर करें एक लाइन है, ठीक है जी, एक लाइन है, स्टैंड कर देता हूं। ये एक लाइन सेगमेंट है दो पॉइंट्स हैं इसके, और ये हमारे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है जी। खैर, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है जी। और अब हम क्या करते हैं, यहां से एक वर्टेक्स नीचे गिरा है, यहां से एक वर्टेक्स नीचे गिरा है, ठीक है जी। इसी तरह यहां से वाई एक्सिस पे और यहां से भी, यहां से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक राइट एंगल बन सकता है। ये हमारा एक राइट एंगल बन गया, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, यहां से भी एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं एक राइट एंगल आ गया, और पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस है, तो यहां से ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए x1 है, और
ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस मान ले एक्स टू है, ठीक है जी। और ये जो हिस्सा है, ये लाइन, ये लाइन, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ऑब्वियसली x2 माइनस x1 है, या तो आप कह लें डेल्टा x है। सेम गोज हियर, यहां पे जो हमने लाइंस ली थी, ये हमारे लिए y1 है, ये लाइन हमारे लिए y2 है, और ये जो डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है, ये हमारा y2 माइनस y1 या डेल्टा y है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, ये हमारा d है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। और अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, पाइथागोरस थ्योरम में, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है। वो कैसे, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली, वो है हमारे पास d, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं इसको डी स्क्वायर, फॉर्मूले का स्क्वायर। यहां पे हमारे पास बेस क्या है, बेस अगर आप देखें तो हमारे पास है डेल्टा एक्स, ये हमारे पास बेस है, ये बराबर है इसके, तो हम इसके कह सकते हैं कि हमारे बराबर है डेल्टा एक्स स्क्वायर के। इसी तरह वाई जो है वो है हमारे बराबर डेल्टा वाई के, डेल्टा वाई के बराबर है स्क्वायर के फॉर्मूले का, ठीक है जी। और हमें तो चाहिए डी, तो हम क्या करते हैं, यहां पे कर देता हूं, अब हम करते हैं कि रूट लगा देते हैं, ठीक है जी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी हमारे पास बाहर आ गया, अंडर रूट में जो वैल्यूज हैं आप उनको खोल दें, तो हमारे पास बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बात समझ आ जाए, और ये इस साल शायद इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से कॉलेजेस ने अपने प्रीलियम में इस सवाल को दिया था, तो ये आप लोगों के लिए मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक सेल्फ क्वेश्चन है मेरा, ए की वैल्यू, एक जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ये है, बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है जी, और इसमें हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। सॉल्यूशन, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमारा ये है एक्स वन, एक्स टू, वाई वन, वाई टू, एबसीसा ऑर्डिनेट, एबसीसा ऑर्डिनेट, याद होगा आपको। अब हम फॉर्मूले में इनको पुट करते हैं, एक्स टू है 4 माइनस फॉर्मूले का, एक्स वन है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू है हमारे पास 5 माइनस फॉर्मूले का, वाई वन हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 4 माइनस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर, d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ठीक है जी। d इज इक्वल टू अंडर रूट 18, यहां पे आंसर सॉल्व हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद सॉल्व करें तो आप कर सकते हैं, और इस सवाल के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप बुक का सवाल शुरू कर दें, और मुझे उम्मीद होगी कि आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन वर्क खुद कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2,
पार्ट नंबर टू में इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड y इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7.1 एंड 3.y इज 5 यूनिट्स। ठीक है जी, हमें y निकालना है तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। शॉर्टकट देख रहा हूं, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें उन्होंने। अच्छा जी, 7 - 3 + 1 - y² डिस्टेंस क्या था? 5 था। 7 - 3 = 4, 4² + 1 - y² 5 = √16 + 1 - y² अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5² = 25, ये हो गया 16 + 1 - y² 25 - 16, यहाँ पे आगे माइनस, और ये बराबर हो गया 1 - y² 2 के। 25 - 16 9 होता है, 1 - y² 2। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक खोलने से अच्छा है दोनों पे रूट लगा दो। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, 9 पे रूट और 1 - y² पे रूट, ये आ जाएगा +-3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 - y। ठीक है जी, एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। अरेंज करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 = 1 - y, -3 = 1 - y। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये y को मैं चेंज करना है क्योंकि माइनस का है। ये एक काम करते हैं, हम कर देते हैं 3 - 1 - y, और यहां पे कर देंगे y = 1 + 3। इसको यहां भेजा, उसको वहां भेजा, शिफ्ट करा, सेम इधर भी करेंगे। 3 - 1 क्या होता है? 2, 2 = -y, -y यहां गया, 2 उधर गया। ठीक है जी, हमारे पास क्या आंसर आया? पहला आया -2, दूसरा आया 4। बहुत आसान सवाल है।